हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फिश मछली। तो देख सकते हैं, हमने जो है मछली ले लिए हैं। मछली इसको छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं और इसे अच्छे से नमक पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लिए हैं। इसमें थोड़ी क्वांटिटी जो है हल्दी आप डालकर इसे अच्छे से वो कर लीजिए, इसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इसे ऑयल में कंटिन्यू फ्राई कर सकते हैं। तो इसे हम कंटिन्यू फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने मसाला तैयार करके रख लिए हैं। इसके लिए देख सकते हैं, हमने धनिया ले लिए हैं, एक टमाटर दो टमाटर ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं, लहसुन लिए हैं और अदरक का मिक्स। तो ये सब चीज़ को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंडिंग करके पीस लेते हैं। उसके बाद हम इसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिश को फ्राई करेंगे। उसके लिए ऑयल लेना पड़ेगा और सिंगल पीस हमें जो है फिश को फ्राई करते जाना है। तो इस तरीके से पूरे जो पीस है फिश का, वो फ्राई होने के बाद हम इसमें जो है ग्राइंडिंग से पिसा हुआ जो मसाला है उसे डालेंगे। तो इसे कंटिन्यू फ्राई करते हैं सभी पीस को। अच्छे से फ्राई करके निकालने के बाद हम जो है खड़ा मसाला इसमें डाल देते हैं, तेज पत्ती और बाकी जो भी इलायची वायची जो भी है उसको हम इसमें डाल देते हैं। फिर इसे भूनने के बाद हम जो है इसमें जो पेस्ट तैयार किए हैं उसे डाल देंगे और उसे अच्छे से भून देते हैं। इसमें हम मसाला अलग से ले लेते हैं। उसके बाद जो हमने जो मिक्स करके जो पेस्ट बनाया है उसमें डाल देंगे। तो एक चम्मच हल्दी पाउडर ले लेते हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर ले लेते हैं और एक चम्मच मिर्च पाउडर ले लेते हैं। एक चम्मच नमक ले लेते हैं और जो मसाला है उसे डाल लेते हैं। तो इस तरीके से पहले पेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद जो हम पेस्ट गूंज रहे हैं उसमें डाल देंगे। देखिए, हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मछली को डाल देते हैं। और 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देते हैं। अब इसे 5 से 10 मिनट अच्छे से पका लीजिए, फिर हमारा मछली जो है बन के तैयार हो जाएगा। हमारा मछली बन के तैयार हो चुका है, खाने लायक टेस्टी। अब इसमें हम जो है धनिया पत्ती डाल देते हैं। तो इस तरीके से आसानी से हम जो है फिश बना सकते हैं टेस्टी वाला।